नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं आज की अपनी तीसरी क्लास में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी स्पेशल यानी कि उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल जो री एग्जाम होने वाला है उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो आपका होने वाला है। यहाँ से आपके 7 से 8 क्वेश्चंस जो है वो पेपर में आते हैं। कहाँ से? सिर्फ और सिर्फ यूपी जीके से। कितने? 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं बच्चा। तो इस सेक्शन को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो आज हमारी तीसरी क्लास है, यहाँ पर थर्ड क्लास जो है वो होने वाली है। पीछे की दो क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप देख लेंगे, उसमें हमने उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का राजधानी परिवर्तन, विधानसभा, उत्तर प्रदेश की नदियां, मैप के थ्रू पूरी नदियों को हमने डिस्कस किया है। सिर्फ 3 मैप का यूज किया है, 3 से 4 मैप का यूज है और यूपी की पूरी नदियां जो है उसमें कवर हो गई है। इवन उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो पूरा पूरा कवर है उसमें। तो अगर आप उसको देखेंगे तो आपको वो पता चलेगा क्लास की क्वालिटी क्या है। तो स्मार्ट बोर्ड या फिर हाईटेक टेक्नोलॉजी के बिना मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूं तो मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं कि जो कंटेंट मैं दे रहा हूं उससे पेपर में 101% क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं। चलिए बढ़ेंगे अपनी क्लास में और चलेंगे पहले क्वेश्चन पर। और जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को वो सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज का जो सेशन है वो हमारा होने वाला है सेंसस पर, यानी कि जनगणना पर, ठीक है। चलिए, क्लियर। तो यहां पर पूछा गया है पहला सवाल आपसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, ठीक है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 12.50%, मतलब 12.5%, 16.5%, 18.5% और 20%। तो आप सबको पता होगा कि जनसंख्या के आधार पर क्या है, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, ठीक है। कौन सा है? पहला राज्य, ठीक। फिर बात करें अगर क्षेत्रफल के आधार पर, तो क्षेत्रफल के आधार पर चौथा सबसे बड़ा स्टेट है। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहला है, इसके बाद क्या आ जाता है? महाराष्ट्र, इसके बाद आ जाता है बिहार, ठीक है। तो ये टॉप 3 हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें नगरीय जनसंख्या की, मतलब नगरीय जनसंख्या मतलब बेटा ऐसी जनसंख्या जो शहरों में निवास करती है, तो शहरों में निवास करने वाली जनसंख्या पर अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? नगरों में निवास करती है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र पहले नंबर पर आ जाता है। फिर अगर बात करें ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर, ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का पहला स्थान यहाँ पर है। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और यूपी की कुल जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या का 16.5% होता है, 16.50%। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो वो लगभग 140+ करोड़ हो चुकी है। भारत विश्व का पहला देश बन चुका है, किस पर? जनसंख्या के आधार पर। चीन किस पे है? चीन है सेकेंड नंबर पर। तो ये चीज आपको यहाँ पर बेटा याद रखनी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 16.5%, ठीक है। 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो कुल जनगणना कुल जनसंख्या कितनी थी? ये नंबर है, आपको याद नहीं करना है। आपको याद करना है पूरी आबादी का 16.5% किसकी? भारत की आबादी का, ठीक है। मतलब भारत की जनसंख्या का 16.5% कौन है? यूपी है, ठीक। अब अगर बात करें कि यूपी की जो जनसंख्या है वो क्या है, देखिए ये मैंने आपको बता दिया है कि पहला राज्य है, सबसे अधिक वाला राज्य है। यहाँ पर अगर इसको डिवाइड करें तो 52.29% यहाँ पर क्या है? मेल है। और इसके बाद आप इसको घटा देंगे तो 47.71% क्या है? फीमेल्स यहाँ पर है, ठीक है। फिर नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की कितनी जनसंख्या है?
11.79% जो क्या है महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है, ये मैंने आपको बता दिया है। ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है 18.63%, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फिर बात करेंगे टॉप स्टेट्स की। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर और न्यूनतम जनसंख्या के आधार पर, तो ये कौन सा है, घटता क्रम है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, घटते हुए क्रम में, तो पहले नंबर पर आ जाएगा आपका यूपी, फिर दूसरे नंबर पर आ जाएगा महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आ जाएगा बिहार और चौथे नंबर पर आ जाएगा पश्चिम बंगाल। फिर बात करें न्यूनतम जनसंख्या बढ़ते क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो क्या है, सबसे कम जनसंख्या किसकी है, सिक्किम की है, उसके बाद क्या है मिजोरम है, उसके बाद क्या है अरुणाचल प्रदेश है, और उसके बाद क्या है गोवा है। ठीक है, तो ये चार प्रदेश हैं जिनकी सबसे कम जनसंख्या है बेटा, और ये चार राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, जिनकी जनसंख्या पूरे देश में सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए 2011 के अनुसार राज्य की महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है, तो मैंने आपको बताया था कि लगभग लगभग 52% कौन हो जाता है बेटा, मेल हो जाते हैं, और 48% कौन हो जाती हैं, फीमेल हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर मोटा मोटा आप हिसाब लेंगे तो क्या हो जाएगा 52 और 48, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 48% क्या है, महिला आबादी है, किसके आधार पर, 2011 के आधार पर। ठीक है, तो 1881 में किसने जनगणना प्रारंभ कराई थी, लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, नियमित जनगणना जो है वो किसने स्टार्ट कराई थी, लॉर्ड रिपन ने, कब, 1881 में। लगातार जनगणना होती आई है, 2021 की जनगणना अभी नहीं हुई है, इसका जो अंतराल है, प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना जो है वो कराई जाती है। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद यानी कि जिला कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है मुरादाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद। ठीक है, तो जनसंख्या की बात करें अगर, ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका प्रयागराज है, ये क्या है, प्रयागराज सबसे बड़ा जिला है। क्या है, सबसे बड़ा जिला है, किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। ठीक बेटा, उसके बाद अगर बात करें प्रयागराज की, तो इसका पूर्व में नाम क्या था, इलाहाबाद था। ठीक है, क्या था, इलाहाबाद था। 1936 तक लगभग लगभग इलाहाबाद क्या थी, उत्तर प्रदेश की राजधानी भी थी, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं पूछा जाएगा तो आप गलत हैं यहाँ पर। ठीक, उसके बाद इलाहाबाद का वर्तमान में नाम क्या हो गया है, प्रयागराज कर दिया गया है, और प्रयागराज गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। ठीक है, क्या है, गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है, यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज में ही यमुना नदी जो है वो आकर मिलती है किससे, गंगा नदी से, तो गंगा और यमुना का संगम भी यहीं से होता है। गंगा और यमुना जो है वो प्रयागराज में आके मिलती हैं और संगम बनाती हैं। क्लियर सभी लोगों को इतनी चीजें। ठीक, चलिए और एक चीज इंपॉर्टेंट है, अकबर का किला एक यहाँ पर है। ठीक है, क्या है, अकबर का किला जो है वो भी कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर, प्रयागराज में स्थित है, गंगा नदी के किनारे पर। क्लियर, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको हैं। यहाँ पर पूछा गया है सबसे बड़ा जनपद वो कौन सा होगा, प्रयागराज होगा सबसे बड़ा जिला, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी प्रयागराज। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला क्या है फिर आपके पास, ये डेटा। ठीक है, अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, अब ये क्या है, ये क्या है बेटा, घटता क्रम है। क्या है, घटता
क्रम। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? प्रयागराज, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद आजमगढ़ और उसके बाद लखनऊ। ये क्या है? टॉप फाइव क्या है? जिले हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते हुए क्रम में। क्लियर। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, सबसे कम जनसंख्या किसकी है? महोबा की, फिर किसकी? चित्रकूट, फिर किसकी? हमीरपुर, फिर किसकी? श्रावस्ती और फिर किसकी? ललितपुर। ये क्या है? टॉप फाइव है न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। अब बात करें सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, तो प्रयागराज पहले नंबर पर है, फिर से पुरुष जनसंख्या में भी और महिला जनसंख्या में भी, ठीक है। उसके बाद क्या है? मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद, फिर कानपुर नगर और फिर लखनऊ। फिर महिलाओं की बात करें कि महिला जनसंख्या वाले टॉप फाइव जिले कौन से हैं, तो प्रयागराज है, उसके बाद आजमगढ़ है, फिर जौनपुर है, फिर मुरादाबाद है और फिर उसके बाद लखनऊ है। फिर बात करें न्यूनतम जनसंख्या किसकी? मेल की, मतलब पुरुषों की, तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर, ये क्या हो जाते हैं? टॉप फाइव यहाँ पर हो जाते हैं। फिर बात करें न्यूनतम जनसंख्या फीमेल, तो महोबा पहले नंबर पर, फिर चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर, ये जिले यहाँ पर हैं। इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा याद करते हुए चलेंगे। एक बार दो बार जब पढ़ेंगे, दो चार बार इसको देखेंगे, तो अपने आप से चीजें याद हो जाएंगी। फिर क्या है? 2011 के अनुसार निम्न में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे पहले अगर बात करें सर्वाधिक जनसंख्या की, ठीक है, किसकी? सर्वाधिक जनसंख्या की, तो सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है बेटा? प्रयागराज, ठीक है, किसकी है? प्रयागराज की जनसंख्या जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। लेकिन यहां पर पूछा क्या गया है? सबसे कम किसकी जनसंख्या है? तो सबसे कम जनसंख्या यहां पर आपकी है किसकी? महोबा की, ठीक है, किसकी है? महोबा की। तो ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, महोबा की जनसंख्या सबसे कम है। या फिर आप देखेंगे तो महोबा जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप बात करेंगे तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बेटा है लखीमपुर खीरी, ठीक है, कौन सा है? लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप बात करें सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़, ठीक है, कौन सा है? हापुड़। फिर अगर आप बात करें नवीनतम जिला कौन सा है यूपी का, तो नवीनतम जिला है बेटा अमेठी, ठीक है। ये कहां से अलग हुआ है, किस जिले से इसको अलग किया गया है? तो इसको अलग किया गया है सुल्तानपुर से, ठीक है, कहां से? सुल्तानपुर से इसको अलग किया गया है। क्लियर। चलिए ये चीजें आपको यहां पर क्लियर होंगी। ऑप्शन करेक्ट क्या है? महोबा सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, ठीक है? तो सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जो जनपद है वो कौन सा हो जाएगा आपका? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? प्रयागराज की है, ठीक है। और सबसे ज्यादा पुरुष जनसंख्या किसकी है? तो वो मुरादाबाद की है। क्लियर। चलिए ठीक है, यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इसको आप एक बार नेट पर चेक भी कर लेंगे, इसको स्टार करते हैं, कल एक बार इसको मैं फिर से आपको बता दूंगा। प्रयागराज मुरादाबाद में मुझे पर्सनली थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हमारी जो टेबल थी उसमें अगर बात करें तो प्रयागराज पहले नंबर पर है, तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा आंसर ए, प्रयागराज, ठीक है। क्या है? सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। सेकेंड नंबर पर कौन सा आ जाएगा? सेकेंड नंबर पर आ जाएगा मुरादाबाद, ठीक है, कौन सा आ जाएगा? मुरादाबाद आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ें। फिर उसके बाद क्या पूछा गया है? ये रिपीट हो गया है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार कौन सा जिला पुरुष एवं महिला न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, मतलब पुरुष के मामले में भी न्यूनतम जनसंख्या है
और महिला के मामले में भी न्यूनतम जनसंख्या है। तो वो कौन सा है बेटा? वो है महोबा। ये जिला क्या है? सबसे छोटा जिला है जनसंख्या के संबंध में। ठीक है, क्लियर। ये अभी मैंने आपको बताया था, टेबल में भी आपने देखा होगा। फिर अगर बात करें 2011 की जनसंख्या जो जनगणना थी उसके अनुसार सर्वाधिक साक्षरता यानी कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो पढ़ा लिखा जिला हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा कि जो गौतम बुद्ध नगर है ये कहाँ पर स्थित है? ये है NCR वाले रीजन में। ठीक है, ये कहाँ से सटा हुआ है? ये सटा हुआ है दिल्ली से, मतलब दिल्ली से और नोएडा से। ठीक है, दिल्ली और नोएडा से सटा हुआ है। इसी को हम बोल देते हैं क्या? ग्रेटर नोएडा। ठीक है, क्या बोल देते हैं? ग्रेटर नोएडा। नोएडा का फुल फॉर्म क्या है? नोएडा का फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। ठीक है, क्या है? ये है नोएडा का फुल फॉर्म, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। और ग्रेटर नोएडा को हम बोल देते हैं गौतम बुद्ध नगर, या फिर इसको हम बोल देते हैं GB नगर। ठीक है, अब बात करें तो यहां पर बेटा याद करने के लिए अगर आपको मैं बताऊं तो बहुत सारी जगह है जिनका नाम है नॉलेज पार्क। ठीक है, क्या नाम है? नॉलेज पार्क। जैसे क्या होगा, आप लोगों ने सेक्टर सुने होंगे, सेक्टर ए, सेक्टर बी या फिर सेक्टर 1-2, वैसे ही यहाँ पर क्या है? नॉलेज पार्क 1, नॉलेज पार्क 2। तो नॉलेज इन लोगों को बहुत है। तो सबसे पढ़ा लिखा जिला कौन सा हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर यहाँ पर हो जाएगा। ये मैं आपको याद रखने की ट्रिक जो है वो बताया हूं। ठीक, क्लियर। चलिए आगे चले। आगे क्या है आपके लिए थोड़ा सा है कि उत्तर प्रदेश की जो कुल साक्षरता है वो देश की साक्षरता का क्या है, मतलब टोटल साक्षरता कितनी है? 67.7% है। मतलब अगर प्रदेश में 100 लोग हैं तो उसमें से 67.7 लोग क्या हैं? पढ़े लिखे हैं। अब अगर बात करें साक्षरता की, तो भारत में जो साक्षरता का मानदंड है वो ये है कि आप हिंदी पढ़ लेते हो और अपनी सिग्नेचर कर लेते हो तो आप क्या माने जाएंगे? साक्षर माने जाएंगे। ठीक है, तो ये होती है साक्षरता। अगर बात करें सबसे साक्षर जिले की, राज्य की, तो वो कौन सा है? केरल है। ठीक, फिर उत्तर प्रदेश में अगर मेल और फीमेल की बात करें, मेल साक्षरता कितनी है और फीमेल साक्षरता कितनी है, तो मेल साक्षरता है 77.3% और फीमेल है 57.2%। ठीक है, इसको 100% पे मत जाइएगा। इसका मतलब है कि 100 पुरुष में 77.3 पुरुष पढ़े हैं और इसका मतलब है 100 महिलाओं में 57.2 महिलाएं क्या हैं? साक्षर हैं। ठीक है, पुरुष साक्षरता में प्रदेश 29वें स्थान पर है और महिला साक्षरता में 31वें स्थान पर है। सर्वाधिक साक्षर जिले कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर है पहले नंबर पर, फिर कानपुर नगर है दूसरे नंबर पर, फिर औरैया तीसरे नंबर पर, इटावा चौथे और गाजियाबाद 5वें नंबर पर है। तो ये क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये टेबल आपके लिए स्पेशल है, इस टेबल को बेटा याद कर लो, भूलना बिल्कुल भी मत, नहीं तो आपके लिए एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। इस टेबल से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाला है, किसी ना किसी एक सेट में जरूर से जरूर आएगा। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अभी मैंने आपको बताया था, पहला क्या है? गौतम बुद्ध नगर है, दूसरा कानपुर है, तीसरा औरैया है, चौथा इटावा है, पांचवा गाजियाबाद। ठीक है, फिर इसके बाद न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, श्रावस्ती सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम साक्षरता किसकी है? श्रावस्ती की। फिर है बहराइच बेटा, फिर बलरामपुर है, फिर बदायूं है और उसके बाद क्या है? रामपुर है। ठीक है, फिर पुरुष साक्षरता सबसे अधिक कहां पर है? तो वो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा है, फिर औरैया में है, फिर इटावा में, फिर गाजियाबाद में और उसके बाद झांसी में। ठीक है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहां पर है? तो श्रावस्ती में सबसे कम पुरुष साक्षर हैं, फिर बहराइच में, फिर बलरामपुर में, फिर बदायूं में और उसके बाद रामपुर में। ठीक है, तो ये क्या है?
सबसे जो जिले हैं टॉप फाइव, ये उनकी लिस्ट है। ठीक है, चलिए अब फटाफट से आंसर देते हुए चलिएगा। 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है, पुरुष साक्षरता दर अभी मैंने आपको बताया था 77.3% क्या है, पुरुष साक्षरता दर है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाक से आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, ये मैंने आपको बताया था कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर के बाद कौन सा आ जाता है, कानपुर नगर आ जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड आपको यहाँ पर याद रखना है बेटा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला आपका कौन सा है, श्रावस्ती यहाँ पर होता है। श्रावस्ती ही मेल साक्षरता में ही और फीमेल दोनों में ये क्या है, सबसे कम है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से, आ जाएगा हमारा क्या है, औसत जनसंख्या घनत्व। ठीक है, क्या है ये, जनसंख्या घनत्व के बारे में है, तो ये होता है वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्या होता है, वर्ग किलोमीटर कितना, एक। इसका मतलब क्या हुआ कि एक किलोमीटर स्क्वायर की एरिया में बेटा कितने व्यक्ति रहते हैं, क्या कितने व्यक्ति रहते हैं, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे जनसंख्या घनत्व। ठीक है, 1029, 829, 729, 729। ठीक है, तो जो यूपी है, यूपी का जनसंख्या घनत्व है 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, ये क्या है, यूपी का जनसंख्या घनत्व है, तो ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये डेटा आप लोगों को याद रखना है, यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना है, 829 है, इंडिया का कितना है, इंडिया का है 382। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा किसका है, तो 2011 के अनुसार सर्वाधिक कितना है, किसका है, गाजियाबाद का 3971। क्यों, क्योंकि ये दिल्ली से सटा हुआ इलाका है और दिल्ली में नौकरी पेशा करने वाले व्यक्ति गाजियाबाद में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूनतम किसका है, ललितपुर का है बेटा, 242 है। ठीक, अब टॉप फाइव की बात करेंगे, टॉप फाइव कौन कौन से हैं, तो टॉप फाइव में सबसे पहले गाजियाबाद, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ, फिर भदोही और उसके बाद कानपुर नगर। फिर उसके बाद लोवेस्ट फाइव की बात करेंगे, जिसमें कौन कौन से हैं, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट, ये क्या है, लोवेस्ट फाइव जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं, तो इसको याद करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कहां पर, यूपीपीएससी प्री 2014 में, कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो मैंने आपको बताया कि जो गाजियाबाद है वो दिल्ली के बिल्कुल पास में स्थित है। गाजियाबाद में नदी कौन सी है, हिंडन नदी है। ठीक है, क्लियर, यहां पर गाजियाबाद में क्या है, वायुसेना का क्या है, एक एयरफोर्स क्या है, जो बोलते हैं कि एक तरह से सैन्य अड्डा जो है एयरफोर्स का, वो भी है। ठीक है, और गाजियाबाद में ही क्या है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो पाया जाता है। ठीक, चलिए फटाफट से फिर से आंसर देंगे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, ऑप्शन है आपका गोरखपुर, मेरठ, ललितपुर, आगरा, ये चार ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है, चारों में से सही आंसर कौन सा होगा, सही आंसर होगा आपका ललितपुर। ललितपुर का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम जो है वो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है बेटा, लिंगानुपात होता है कि प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो महिलाओं की संख्या जो है वो बता देगी आपका लिंगानुपात। जैसे कहीं पर 1000 पुरुष हैं किसी जिले में और वहां पर मान लीजिए 700 महिलाएं हैं, तो लिंगानुपात क्या हो गया, 700/1000। तो इसी तरह उत्तर प्रदेश का पूछा गया है, तो उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन
बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़े से फैक्ट्स आपके लिए यहाँ पर क्या है कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या है, 912, ठीक है, ये 2001 में क्या था, 898 था, जो कि बढ़ चुका है कहां पर, 912। अगर आप बात करें इंडिया की, ठीक है, तो इंडिया का जो लिंगानुपात है वो है 943, ठीक है, क्या है, 943 है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात है जौनपुर का, और सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, जौनपुर, और गौतम बुद्ध नगर क्या है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर क्या है, सबसे पढ़ा लिखा जिला भी है। क्लियर। इसके बाद आप बात करेंगे अब टॉप फाइव की, ठीक है, टॉप फाइव में बेटा सबसे ज्यादा लिंगानुपात है आजमगढ़ का, उसके बाद है देवरिया का, फिर प्रतापगढ़, फिर उसके बाद सुल्तानपुर, फिर उसके बाद करेंगे लोवेस्ट, लोवेस्ट फाइव में गौतम बुद्ध नगर की जनसंख्या घनत्व सबसे, सॉरी लिंगानुपात सबसे कम है, उसके बाद बागपत और हमीरपुर का जो लिंगानुपात है वो बराबर है, कानपुर बांदा और मथुरा का जो है वो बराबर है, और औरैया का और जलौन का। तो ये लोवेस्ट फाइव डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी के जो लिंगानुपात के क्रम में आते हैं, ठीक। चलिए, 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, ठीक है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपको यहाँ पर बताना है। तो मैंने अभी बताया कि सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, जौनपुर का है, और गौतम बुद्ध नगर का है सबसे कम, ठीक है। तो ये दो चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। फटाफट से आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया न्यूनतम लिंगानुपात, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर सबसे कम लिंगानुपात इसका है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। पूछा गया है कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। शिशु लिंगानुपात मतलब होता है कि जो 5 साल की उम्र के बच्चे हैं उनका लिंगानुपात यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो बेटा जो बलरामपुर है वहां पर शिशु लिंगानुपात क्या है, सर्वाधिक है। क्या है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है, बलरामपुर जिले में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना है, 902 है, 2001 की जनगणना में ये क्या था, 916 था। तो मतलब लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात हमारा क्या हुआ है, निगेटिव हुआ है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका है, बलरामपुर का 950 है, और सबसे कम किसका है, बागपत का 841। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है, ठीक बेटा। चलिए आगे चलेंगे। ठीक, पूछा गया है कि 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है, ठीक है। तो राज्य का शिशु लिंगानुपात अभी मैंने आपको बताया कितना है, 902 है, लेकिन 2001 में यही कितना था, ये बेटा था 216, ठीक है, कितना था, 916, ठीक है। तो ये क्या था, पहले जो था उसके मुकाबले हमारा कम हो गया है, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होगा, 902 जो होने वाला है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है, मतलब सर्वाधिक जो अनुसूचित जनसंख्या है वो किस राज्य में निवास करती है। तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य है सबसे ज्यादा, तो बेटा वो है हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो जब जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है तो अनुसूचित जाति भी कहां पर सबसे ज्यादा निवास करेगी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा निवास करेगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, क्लियर। चलिए, डेटा आपके लिए, डेटा क्या है कि जो राज्य की कुल जनसंख्या है उसका 20.7% किसकी जनसंख्या है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, ठीक है, किसकी, अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। ये डेटा आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत बार जातिगत जनगणना की बात जो है वो हो रही है। अगर आप बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन, राज्य कौन सा है, तो वो हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। सबसे ज्यादा सीतापुर में है,
ठीक है, और सबसे कम कहां पर है, बागपत में है, ठीक, क्लियर, चलिए ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कहां से, जनसंख्या से। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ठीक है, क्या पूछा गया है, सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आंसर आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कौन सा होने वाला है, तो ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और यहां तक जो भी दोस्त अभी तक बने थे साथ में, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करते जाना, छोटा चैनल है, आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।